गाइस इस रेटिंग लेबल से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी 3 स्टार या 5 स्टार एसी कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है। ऑनलाइन या शॉप में जाते ही मॉडल्स तो बहुत सारे दिख जाते हैं एसी के, बट हर एक एसी की पावर कंजप्शन की वीडियो हमें यूट्यूब में नहीं मिलती। और हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये एसी लेने के पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। कुछ ही एसी के ऐसे फेमस मॉडल्स हैं जिनकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है, वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि एसी की पावर कंजप्शन कितनी है। बट इस रेटिंग के हिसाब से हम बाकी उन सारे एसी के पावर कंजप्शन के बारे में पता कर सकते हैं जिनकी वीडियो हमें यूट्यूब में नहीं मिलती। बहुत ही आसान है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जाऊँगा। सबसे पहले बता दूँ कि इसे कहते हैं ISEER रेटिंग। ये एक ऐसी रेटिंग स्टिकर है जो आपको हर एक एसी के इंडोर यूनिट में मिलेगा। इससे बहुत आसानी से पावर कंजप्शन पता कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये 100% तो मैच नहीं करेगा, बट आपको एक रफ आइडिया ज़रूर मिलेगा कि आपका एसी कितनी पावर कंज्यूम करने वाला है। चलिए ये स्टिकर की बात करते हैं। जैसे आप ये स्टिकर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये होती है ISEER रेटिंग। ये हमें सबसे पहले देखनी है। तो यहाँ पर जो 4.73 है, यानी कि ये 5 स्टार एसी है, इसीलिए यहाँ पे 4.73 की रेटिंग इसे मिली है। दूसरी जो चीज़ हमें चेक करनी है वो है कूलिंग कैपेसिटी 100%। एक नीचे में भी दी गई है कूलिंग कैपेसिटी 50%, वो हमें चेक नहीं करना है। हमें 100% कूलिंग कैपेसिटी को चेक करना है, जो कि इस स्टिकर में है 5100, 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है इस एसी की। तो यानी कि ये 1.5 टन का एसी है, क्योंकि अगर ये 1 टन का एसी होता तो ये कूलिंग कैपेसिटी तकरीबन 2800 से लगभग 3500 या 3600 के बीच में रहती। तो ये 1.5 टन का एसी है, वो भी 5 स्टार। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये जो कूलिंग कैपेसिटी है यानी कि 5100, इसे डिवाइड कर देना है ये रेटिंग के साथ, यानी कि 4.73। डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो तकरीबन 1080 वॉट होगा। यानी कि अगर आप इस एसी को फुल पावर में चलाते हैं तो ये 1080 वॉट कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। तो लगभग 1 यूनिट कंज्यूम होगा 1 घंटे में इस रेटिंग के हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कैलकुलेशन है ये अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेने जा रहे हो उस पे ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगी। मैंने जितना आपको बोला, मतलब जितना आप हिसाब निकालोगे उतना ही एसी कंज्यूम करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। बट अगर आप इन्वर्टर एसी लेने जा रहे हो तो दोस्तों आपको जैसे पता है वहाँ हमें पावर सेवर मोड मिल जाता है, हाई स्पीड मोड मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं जहाँ पे एसी की पावर कंजप्शन कम हो जाती है, कूलिंग भी थोड़ी कम हो जाती है, तो वहाँ पे हमारी ये कैलकुलेशन काम नहीं आएगी। पर हाँ, अगर आप इन्वर्टर एसी भी आप 100% पे चलाते हो, आप हाई कूलिंग मोड को ऑफ रख कर, मतलब आप सिंपल एसी को ऑन कर रहे हो, आपने आपका डिज़ायर टेम्परेचर दिया 16 डिग्री या 17 डिग्री और आपने उस पर कोई भी पावर सेवर मोड नहीं लगाया, तो आपका तकरीबन ये जो कैलकुलेशन है इसके बेस पे ही पावर कंज्यूम होगा। जैसे कि यहाँ पर आया है 1080, हो सकता है 1000 या हो सकता है 1200 वो कंज्यूम करेगा। और यहीं अगर आप पावर सेवर मोड वगैरह सब लगा देते हो तो ये कैलकुलेशन को आप फॉलो मत कीजिए। बाकी जो इन्वर्टर एसी की जो पावर कंजप्शन है वो पूरी डिपेंड करती है आप कितने घंटे उसे चला रहे हो, आप लगातार उसे 1-1 घंटे में ऑन ऑफ कर रहे हो, तो ये सब मैटर करता है। पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टाइम में एसी ले रहे हो तो आप इन्वर्टर एसी पे ही जाए 3 स्टार या 5 स्टार, क्योंकि आप अपने हिसाब से एसी की पावर कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, आपको कूलिंग ज़्यादा मिलेगी। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप पावर सेवर मोड से अपना बिल बचा सकते हो। अभी नॉन इन्वर्टर का ज़माना चला गया है, सब लोग इन्वर्टर एसी ही प्रेफरेबल करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो बिल है वो बहुत ही कंट्रोल वे में रहता है। और दूसरी बात कि कंपनी ये जो रेटिंग लगाती है अपने एसी पे, ये कुछ चेक्स करती है, कुछ घंटे एसी को चलाया जाता है पूरे साल में, तो उस हिसाब से ये लोग रेटिंग को चिपकाते हैं यहाँ पर। तो आपकी जो यूजेज है और जो कंपनी की यूजेज है वो पूरी डिफरेंट है दोस्तों। बट ये हमें एक आइडिया दे देगा कि ये बिल आपका आएगा अगर आप एसी को 100% पे चलाते हो, मतलब फुल पावर पे चलाते हो 1 घंटे के लिए। आई होप ये आपको वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो।
और मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो में दोबारा जल्द ही आपके साथ। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।